नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सैयद है। तो आज मैं एक और नए वीडियो के साथ में हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम एक और नए टॉपिक के साथ में हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स, यानी कि बवासीर। बवासीर की बीमारी होती क्या है, जो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है हमारी सोसाइटी में। ये जो बीमारी है मर्द औरत सभी को होती है। हम जान लेते हैं बवासीर एक्चुअली होता क्या है। बवासीर मतलब पाइल्स। पाइल जो है एक तरह से हमारे जो लैट्रिन की जगह होती है, जिसको हम एनस कहते हैं, और जो एनस के ऊपर का जो रास्ता होता है जहाँ से स्टूल जमा होता है, उसे हम कहते हैं रेक्टम। इन दोनों चीज़ों को सप्लाई करने वाली एक नस होती है, जिसको हम कहते हैं हिमोरॉइड वेन, हिमोरॉइडल वेन। तो ये हिमोरॉइडल वेन में बहुत ही ज़्यादा सूजन आ जाए तो ये नसें फूल जाती हैं, और उसी की वजह से ये पाइल्स नाम की बीमारी, जिसको हम बवासीर कहते हैं, वो हो जाती है। अब ये बवासीर के नॉर्मली जो हैं दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटरनल पाइल, यानी कि इंटरनल हिमोरॉइड, और दूसरा होता है एक्सटर्नल पाइल, यानी कि एक्सटर्नल हिमोरॉइड। मैं बता देता हूँ। अब इंटरनल हिमोरॉइड, इंटरनल हिमोरॉइड में एक्चुअली होता क्या है। इंटरनल हिमोरॉइड ज़्यादातर अंदरूनी हिस्से में होता है, जिसे हम रेक्टम कहते हैं। रेक्टम के इंटरनल लाइनिंग के ऊपर जो नसें होती हैं, वो बाहर की तरफ आ जाती हैं, फूल जाती हैं, और उसकी वजह से वो ब्लूइश डिस्कलरेशन, एक पिंकिश डिस्कलरेशन हो जाता है, यानी वो पिंकिश कलर की हो जाती है। और क्योंकि वहाँ पे जो सप्लाई होती है नसों की, वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को पेन नहीं होता, दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन उनमें खून कभी कभी बहता है। तो यही एक डायग्नोसिस का तरीका है। इसी से हमें डॉक्टर को पता चलता है कि वो इंटरनल पाइल है। कभी कभी उसको पीआर एग्जामिनेशन, यानी कि लैटिन की जगह पे एक तरह का स्कोप होता है, वो डालने से इंटरनल पाइल है या नहीं है उसको डॉक्टर आपका बता सकता है। दूसरा टाइप है एक्सटर्नल पाइल। एक्सटर्नल पाइल में होता क्या है कि जो नसें होती हैं, जो आपके बाहरी लैट्रिन के हिस्से के बाहरी हिस्से को सप्लाई करते हैं, जिसे हम एनस कहते हैं, तो वो नसों के ऊपर सूजन आ जाने की और लार्ज हो जाने की वजह से, साइज में बढ़ जाने की वजह से, वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करती हैं, यानी कि बाहर की तरफ निकलती हैं। तो एक तरह से वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि वो हिस्सा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, नर्व सेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो उसकी वजह से वो हिस्सा बहुत ही ज़्यादा पेन करता है। और दूसरा चीज़, वो जब बाहर की तरफ फूलती है तो उनका कलर जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, एक तरह से नीला पड़ जाता है वो पार्ट, और वो थ्रोम्बोस टाइप, यानी कि उसमें खून भरा होता है। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए तो वो खून बहने लगता है। तो ये दोनों टाइप को मैंने आपको बता दिया, इंटरनल पाइल होता क्या है और एक्सटर्नल पाइल होता क्या है। इंटरनल पाइल कभी कभी जो है बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा, अगर वो साइज में बढ़ जाए तो बाहर की तरफ वो प्रोलैप्स होता है, यानी कि बाहर की तरफ निकलने लगता है संडास की जगह से, तो उसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ होती है लैट्रिन करते वक्त, और उसको जलन सी होती है। और जो एक्सटर्नल पाइल होता है उसमें भी वो प्रोट्रूजन होता है, लैट्रिन की जगह से बाहर निकलता है, तो वो टाइम में तो उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, कभी कभी फीवर आ जाता है। इसके कारण के ऊपर, यानी कि यह होता क्यों है, इसका नॉर्मली जो है चार पांच कारण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है, ये जो है एल्डरली लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो 50 साल 45 साल इनकी उम्र क्रॉस हो गई, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि उनमें एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा एल्डरली में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। दूसरा चीज़ है, अगर आप पानी कम पीते हो तो उसकी वजह से भी ये बीमारी होती है। तीसरा, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो जाता है पाइल्स का दिखना। चौथा कारण है स्मोकिंग, या फिर कॉन्स्टिपेटेड हैबिट है आपका, आप लैट्रिन आपका साफ नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से भी एक होता है ये बीमारी हो जाती है। चौथा कारण है, अगर आप ज़्यादा टाइम तक खड़े रहते हो, या फिर ज़्यादा टाइम तक आपका बैठने का काम है, तो उसमें भी ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाती है। अगर आपके खाने में लो फाइबर डाइट है, या फिर आप पानी कम पी रहे हो, तो वो भी एक कारण है आपको ये बीमारी होने का। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा बचेंगे तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर, यानी कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। लक्षण जो है इसके, ज़्यादातर जो है आपको दर्द होगा लैट्रिन की जगह पर, आपको जो है लैट्रिन करने में आपको खून निकलेगा,
आपको कभी कभी इचिंग होगी, अगर वो प्रोलैप्स है यानी कि बाहर की तरफ वो पाइल्स प्रोट्रूड हुआ पड़ा है, बाहर आया हुआ है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी खुजली होगी, कभी कभी म्यूकस जैसा बाहर पास होगा, लेकिन पेन जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एक्सटर्नल पाइल में, तो वो आपको ध्यान रखना है। कोई भी लोकल डॉक्टर, आपका जनरल प्रैक्टिशनर, फैमिली डॉक्टर आपको बता देगा कि ये पाइल है या नहीं, अगर वो एक्सटर्नल पाइल है तो उसका ट्रीटमेंट आपको लेना होता है। अब हम दोस्तों अब हम आ जाते हैं इसका ट्रीटमेंट के ऊपर, पाइल का ट्रीटमेंट होता कैसा है। नॉर्मली जो पाइल्स के लिए नॉर्मली मैं 3 से 4 मेडिसिन बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करता हूँ, उसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे दिए हैं काफ़ी सारे पेशेंट्स में। जो पहली मेडिसिन है वो है R13, डैक्रेट कंपनी का ड्रॉप आता है, उसको आप 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधे ग्लास पानी के अंदर लीजिए, आपको उसे तकरीबन 2 से 3 महीना चलाना है तो उससे आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन है नाग स्वामी का मदर टिंचर, वो जो मदर टिंचर ये 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आपको लेना है। ये ज़्यादातर जो आपको अगर बॉवेल यानी कि आपका लैट्रिन काफ़ी कड़क होता है तो उस कंडीशन में आपको ये लेना है, और 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को आधे ग्लास पानी के अंदर। तीसरी मेडिसिन है कैल्किरिया फ्लो, ये आपको 6x पावर में 4 4 गोली 3 टाइम लेना है। ये जो आपका जो प्रोट्रूजन है, जो आपका नसों में जो सूजन आई हुई है और जो बाहर की तरफ निकली हुई है, उसको कम कर देगी, और वो तकरीबन आपको 2 से 3 महीना इसको भी चलाना है। तो ये तीनों मेडिसिन आप लेंगे साथ में तो आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपके पाइल्स की बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो आप और इसके अलावा आपको पानी ज़्यादा पीना है, आप ज़्यादा हाई फाइबर डाइट यानी कि आपके खाने में फाइबर्स की मात्रा आप बढ़ा दें तो आपको ये बीमारी से आप बचेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करें, ज़्यादा टाइम तक बैठ के काम ना करें, ज़्यादा टाइम तक खड़े रह के काम ना करें, नॉर्मल जो है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कुछ क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या मेरे जो पिछले वीडियोस हैं उससे रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो क्वेश्चंस को टाइप करके सेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन मुझे मिलेगा मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर उमर सईद अब आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।